करते हुए मैं दिनांक 22/2/2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2023 के प्रथम सत्र हेतु आहूत संवेद अधिवेशन में माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश के अभिभाषण की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करती हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि मातृशक्ति की दैदीप्यमान कुंज सर्वप्रिय और बहुत ही विदुषी राज्यपाल महोदया द्वारा यह अभिभाषण इस सदन में रखा गया। अभिभाषण सभी जानते हैं सरकार के क्रियाकलापों का आईना होता है, एक बिंब होता है और उस आईने में सरकार की सूरत को, उसके काम करने के इरादे को ठीक ठीक देखा जा सकता है। अच्छा होता अगर आप सब ध्यान पूर्वक शांति से अपने उत्तर प्रदेश की स्थिति पर गर्वित होकर मेजे थपथपाकर अपनी ममता मई राज्यपाल का भाषण सुनते, पर ऐसा लगता है कि न अच्छा करना और न अच्छा सुनना दोनों ही आपको नहीं सुहाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उस दिन का दृश्य ऐसा था, हमारे अमिताभ जी भाई साहब नहीं है आज माननीय सदस्य, उस दिन थे ना तुम भैया, आप भी थे साथ में, हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता हुए हैं अमिताभ बच्चन, सब जानते हैं, उनका बात बात में होता है ऐसे बिना बोलते नहीं। और उस दिन मैं देख रही थी कि अपने कानपुर वाले प्रिय अमिताभ भैया और ये छोटे भैया अतुल भैया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, हमारे अमिताभ वाजपेयी जी करे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, गो बैक जाओ उसके बाद, तो ऐसा लग रहा था कि शायद राम और रावण दोनों अंदर से जाग रहा है, एक बार गो बैक नहीं चलेगी राज्यपाल वापस जाओ, और जब अंदर का राम जागता तो खुद ही विलाप करते और दोनों भाई कहते माननीय जी की शख्सियत को ठीक से समझते और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते तो मैं दो लाइन उनके लिए कहना चाहती हूं कि ये खुद का वजूद मैं भीख में नहीं पाई हूं, ये खुद का वजूद मैं भीख में नहीं पाई हूं, मैं कई समंदर पसीने से भर कर यहां आई हूं। लेकिन आपने उनका सम्मान नहीं किया और आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों का उस दिन आचरण था, और फिर बात कर लेंगे बैठ के पीछे, आपका नाम याद हो जाएगा तो अगली बार मैं आपके नाम से भी यहां कुछ रखूंगी। तो अगर अच्छा होता कि जो हमारे प्रदेश के सर्वोच्च पद पर आसीन एक महिला है, सौभाग्य से हम सब गर्व कर सकते हैं कि हमारी राज्यपाल एक महिला है, उनके सम्मान में आप उनकी बात सुनते और यह नहीं समझ में आता है कि अभिभाषण पढ़े बगैर कैसे आपको सारी बातें उसके अंदर की समझ में आ गई, ये नहीं समझ में आता है। अमृतकाल के प्रथम वर्ष में भारत द्वारा दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता किया जाना सौभाग्यपूर्ण व अभूतपूर्व अवसर है। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाली 200 बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। जनपद लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, इन सब में हमको यह ऐतिहासिक दृश्य देखने का अवसर मिलेगा। हमारा संकल्प है कि देश का नाम, देश में अपना नाम रोशन करें या ना करें, लेकिन दुनिया में अपने देश का नाम हम जरूर रोशन करें। और सुनिए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, और इस अवसर पर भी आप कह रहे थे गो बैक,
ये इंजन आगे चलता चला जा रहा है। आप गो बैक करते हैं, लेकिन ये इंजन आपके गो बैक से रुकने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाए जाने का संकल्प लिया गया है। इसके दृष्टिगत 2022 से 27 की अवधि में योगी सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया। माननीय योगी जी की कार्य करने की शैली बताती है कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, अगर हौसले बुलंद हो तो फिर फासला क्या है। हमने हर फासले को पूरा किया है। आज सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। 7 चालू और 6 निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में विश्व स्तरीय रोड कनेक्टिविटी उपलब्ध है। यह एक्सप्रेसवे पूरे राज्य को मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों से निर्बाध गति से जोड़ने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है। यहाँ देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवे भी विकसित किया जा रहा है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश का है। प्रदेश में 90 लाख से अधिक MSME की इकाइयां हैं जो करोड़ों युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही हैं। इसलिए हमारी सरकार ने यह सिद्ध किया है कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां कदम रखते हैं जहां आसानी से चलने का कोई रास्ता नहीं होता। प्रदेश के समग्र विकास हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,958 निवेश आशय प्राप्त हुए हैं, जिनसे 94 लाख लोगों से भी अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग किए हुए हैं। दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश को महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अभिभाषण के अवसर पर कहते हैं गो बैक, गो बैक, गो बैक। लेकिन ये सरकार पीछे जाने वाली नहीं है, उसे गुमा है अतुल भैया, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। आप खींचते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करते हुए और उस पर आदरणीय नीलकंठ तिवारी द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को जो प्रस्ताव पर उन्होंने की चर्चा जारी है उसका पुरजोर समर्थन करते हुए एक अपने क्षेत्र की बात रखना चाहती हूँ। हमारे यहाँ एक केही नदी है जिसमें चीनी मिल का पानी उसके अंदर गिरता है, वो सीधा लगातार 15-16 वर्षों से गिराया जा रहा है। इस कारण वो पानी न पीने लायक है न सिंचाई के लायक है। उस पर एक पक्षी भी अगर बैठकर पी ले तो वो मर सकता है, या पक्षी भी नहीं बैठते हैं। तो मेरी यह मांग है कि उसकी पूरी तली झार सफाई कराकर उसमें निर्बाध गति से जल की आपूर्ति की जाए ताकि मेरे क्षेत्रवासियों का भला हो सके। और बस अंत में एक बार पुनः ये कहूंगी कि आपको उस दिन भाषण सुनना चाहिए था, ये गलती आपने 2 वर्ष पूर्व भी की थी, दोबारा फिर वही गलती आपको दोहरानी पड़ी, हो सकता है आप इधर हो जाते अगर उस गलती को नहीं करते। तो फिलहाल आपको एक सलाह मशवरा देते हुए, ऐसी महिला का अपमान बड़ा एक पाप पुण्य कृत्य होता है, आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। और बस मैं अब अपनी अंत में बात कहना चाहती हूँ कि कबीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर भी जीतने का जुनून जिंदा रख। और वो जुनून हमारे योगी जी के अंदर है, हमारे मोदी जी के अंदर है, हम लगातार ऐसे ही जीतते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।